मैं मीरा, मेरी जिंदगी में सबसे करीब कोई है तो वो है मेरी किताबें। बचपन से ही मुझे किताबों से बड़ा लगाव है। किताबें हमें क्या नहीं देती, हमें जीना सिखाती है, हमें संभालती है, हमें संवारती है। किताबें हमें बताती तो कुछ नहीं, पर समझाती बहुत कुछ है। अक्सर लोग पूछा करते हैं मुझसे, तुम्हें इंसानों से ज्यादा किताबें क्यों प्यारी हैं? उन्हें कैसे बताऊं? किताबों की ना कोई शिकायतें होती है और ना ही शर्तें। एक अकेले इंसान की जिंदगी में किताबों से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। जब देखो किताबों में लगी रहती हो, मुझे तेरी ये आदत बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मीरा सुन रही हो माँ क्या कह रही है? इंसान भी रहते हैं इस घर में। माँ, मैंने ऐसा सुना है तुम ऑफिस के बाद गार्डन में जाके किताबें पढ़ती हो। हाँ तो मीरा, तुम अगर गार्डन में जाती हो तो लाफ्टर क्लब ज्वाइन कर लो ना। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। जरूरत है, हंसना जरूरी है, बात करना भी जरूरी है। मीरा बेटा, बेटा बात तो सुनो। मीरा, मीरा, thank you.
किताबें पढ़ने का इतना ही शौक है तो खुद खरीद भी लेनी चाहिए। एक्सक्यूज मी, ये आप ही की किताब है, कल आप यहाँ पे भूल गई थी, मैंने उठा ली, सोचा आप मिलोगे तो आपको दे दूँ। ओह, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मैं वो गुस्से में बोल गई। दरअसल मुझे किताबों से काफ़ी लगाव है, मैंने अपनी ये किताब आपके हाथ में देखी, इसीलिए आई एम सो सॉरी। इट्स ओके, वैसे भी किताबें खोने का डर क्या होता है मैं समझ सकता हूँ। आप बैठिए अपनी फेवरेट जगह पे, मैं मेरी फेवरेट जगह पे जाके बैठता हूँ। वैसे आपको कैसे पता चला कि ये मेरी फेवरेट जगह है? एक्चुअली कई बार आपको देखा है यहाँ पे किताब पढ़ते हुए। बाय द वे, आपकी वजह से मुझे मेरी किताब मिली, थैंक यू सो मच। नो नो, इट्स माय प्लेजर, यू कैरी ऑन विथ योर बुक। एक्सक्यूज मी, आप चाहे तो यहाँ बैठ सकते हैं, आई डोंट माइंड, मैं अपनी किताब पढ़ लूंगी, आप अपना काम कर लीजिए। थैंक यू। हेलो, हाय, आपको मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? हाँ, बैठिए। थैंक यू। एक बात पूछूं? कहाँ तक हुई आपकी किताब पढ़कर? ऑलमोस्ट हो चुकी है, एक दो दिन में खत्म हो जाएगी। वही मैं आपसे पूछने वाला था, ये किताब आप मुझे पढ़ने दे सकती हैं? लेकिन मेरी अभी बाकी। मतलब आपकी पूरी पढ़कर होने के बाद, if you don't mind। क्यों नहीं? लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या?
ये किताब मैं आपको जिस कंडीशन में दूंगी उसी कंडीशन में आपको मुझे वापस करनी होगी। ऑफ कोर्स, वैसे मुझे भी किताबों से प्यार है। आप ये किताब जब भूल गई थी ना, तभी मैंने 2-4 पन्ने पढ़े थे। बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वही तो, ये किताब जो है ये दरअसल एक जीवन चरित्र है। अच्छा? और इसकी नायिका जो है, ओह सॉरी। क्या हुआ, आप रुक क्यों गई? आप ये किताब पढ़ने वाले हैं और मैं आपको कहानी सुनाने लगी। तो अगर आपको कहानी पहले से पता होगी तो आपको किताब पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं होगा। लेकिन ये भी हो सकता है ना कि अगर मुझे कहानी पहले से ही पता हो तो पढ़ने का इंटरेस्ट बढ़ जाए। तो ये एक जीवन चरित्र है और इसकी नायिका जो है वो अकेली रहने वाली, गुमसुम और खुद से ही बातें करने वाली। दरअसल वो लोगों से जब भी बात करती है तो वो लोगों को एरोगेंट और स्ट्रिक्ट लगती है, जैसे कि वो बिल्कुल नहीं है। वो दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन लोगों को उसके बारे में गलत फहमी हो जाती है। बिल्कुल आप ही की तरह। क्या? हाँ, नायिका दिल की बहुत अच्छी है, लेकिन लोग उसे समझने में गलती करते हैं। आगे? हाँ, तो उस नायिका का जो चरित्र है वो एक अकेले इंसान की जिंदगी में किताबों से अच्छा दोस्त कोई हो ही नहीं सकता। तब तक जब तक उसे कोई दोस्त न मिल जाए।